बड़ी तादाद में हमारी माताओं बहनों की और हमारे भाइयों के गार्जियन की यहाँ पर मौजूदगी है। और आप देख सकते हैं बाबा के मनमोहक और मन को छू लेने वाले, दिल को छू लेने वाले भव्य श्रृंगार को जो देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा यह कलाकारी की गई है, जहाँ बाबा का बड़ा ही मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर धर्म प्रेमी सज्जनों की मौजूदगी हुई है। खुद सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी मौजूद हुए हैं और अभी कमल बगड़िया जी जो प्रसिद्ध समाज सेवी और गायक हैं, उनका भी गाना चल रहा है, भजन चल रहा है। इसके बाद जयपुर के और दरभंगा के ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा भजन की प्रस्तुति की जाएगी। बाबा के भव्य श्रृंगार, बाबा के भव्य श्रृंगार का आप दर्शन करें और बाबा से, बाबा के चरणों में हाजिरी लगाकर आपके मनोकामना की पूर्ति करें। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जोत लेने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग बाबा के जोत को लेकर अपने मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। और खाटू बाबा के इस नेहरू रोड स्थित मंदिर के प्रांगण में जो आज रंग रंगीला महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, उसमें खुद विकास पुरुष के नाम से प्रचलित गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर मौजूद हुए। और पहले बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आपने बड़ी अंतराल से जीत हासिल की और आज यहाँ पर बाबा का साक्षात दर्शन करने आए हैं। सर, ये बाबा का दर्शन करने के लिए हमेशा सौभाग्य है कि हमेशा आने का मौका मिलता है। और हम भी यही कहेंगे बाबा से आशीर्वाद लेना लेते हैं कि भाई रामगढ़ के तरक्की के लिए और रामगढ़ का विकास हो। मिशन 2024 के लिए कितना आशीर्वाद लिया बाबा से? निश्चित है आगे हम लोग काम करेंगे और काम पर विश्वास है, तो निश्चित हमेशा यहाँ के लोगों का, जनता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहर के लोग भी बड़ा आपके ऊपर सर उम्मीद जताते हैं, बहुत मजबूती के साथ आपको प्रचंड बहुमत से जीत दिलाया सर। देखिए जीत है और जीत के लिए मैं पूरे रामगढ़ वासियों को, रामगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। और जिस आशा के साथ लोगों ने भरोसा जताया है तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे जनता के कार्यों को पूरा। विकास पुरुष की अब विकास महिला बनने जा रही है आपकी पत्नी, उन्होंने कहा है कि आपके छोटे हुए से तो बहुत सारे विकास कार्य किए, अब आपके छोटे हुए कार्यों को करेंगे। देखिए कार्य हमेशा चलता रहेगा, जब तक इंसान है तब तक काम चलता रहेगा, लेकिन आशा के अनुरूप हम लोग पूरा प्रयास करेंगे रामगढ़ का तरक्की। अच्छा अंतिम सवाल सर, इस तरह के कार्यक्रम से कितना लाभ होता है समाज में, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम क्यों होने चाहिए? समाज में इस तरह के कार्यक्रम से एक एकजुटता मिलता है और समाज उत्साह बढ़ता है आगे काम करने के लिए, और बाबा का आशीर्वाद लेने से सभी लोगों की नई ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल नई ऊर्जा का संचार होता है और धार्मिक कार्यक्रम होने से, इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों के होने से पूरे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है, क्षेत्र में खुशहाली आती है, अमन चैन बढ़ता है, भाईचारगी बढ़ता है और आपके कष्ट क्लेश भी दूर हो जाते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम से। आप अंदर के कार्यक्रम को देखें जहां बाबा खाटू श्याम बाबा के भव्य श्रृंगार को किया गया है, बड़े ही खूबसूरत बाबा नजर आ रहे हैं, मन मोह रहे हैं लोगों का, और एक से बढ़कर एक जो रंगारंग भजनों की प्रस्तुति की जा रही है उनको भी आप देखें, जो अभी तो कमल बगड़िया जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है। इसके बाद जयपुर और दरभंगा के ख्याति प्राप्त कलाकार आएंगे और एक से बढ़कर एक बाबा के भक्ति धुन पर आपको झुमाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि बाबा के आप चित्र को देखें, बड़ी खूबसूरत और बड़ा ही मनमोहक नज़ारा है, जो देश के पुरलिया ख्याति प्राप्त कई कारीगर यहाँ पर मौजूद हुए और फूलों से उनकी सुगंधित सज्जा की है, आप उसके भी नज़ारे को देखें। और उत्साहित जो भजन सुनने वाले हमारे माताएं बहनें हैं उनको सुने, एक हमारे भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? इस तरह का कार्यक्रम कितने साल से चल रहा है? यह जो श्याम मंदिर प्रांगण नेहरू रोड में आप लोग सब देख रहे हैं, ये रंग रंगीला फागुन उत्सव की के लिए है
आज फागुन का ग्यारस जो बाबा का सबसे बड़ा ग्यारस होता है और इसमें खाटू श्याम जी में आज करोड़ों लोग दर्शन करते हैं, उसी का झलक एक रामगढ़ की पवन धरा पे आज हम लोग यहाँ पर बाबा का जागरण ज्योत प्रज्वलित करके कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं रामगढ़ के सभी श्याम भक्तों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि सन 2023 में बाबा का प्राण प्रतिष्ठा रामगढ़ में भव्य रूप से आयोजन होगा। लगभग 6-7 साल हो गए यहाँ पर मंदिर में होते हुए, और पहले अलग जगह पर होता था। आज जो कि बाबा का दरबार लगता है, बाबा का दरबार सस्ता है, बहुत ही बढ़िया, और साल में 2 बार होता है ऐसा, और ऐसे हम लोग हर महीना करते हैं कीर्तन भजन हमें ना, लेकिन बहुत ही प्यारा मनमोहक, और हर आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इस पर ना। और जोत लेने के लिए यहाँ पर हमारे साथ भाई मौजूद हैं, वरुण बगड़िया जी। कितने साल से यह कार्यक्रम चल रहा है और बाबा का इस तरह का कार्यक्रम से क्या कुछ लाभ मिलता है? बाबा का ये कार्यक्रम कई वर्षों से मतलब अनवरत चल रहा है और जारी आगे भी रहेगा भविष्य में भी, और रामगढ़ के लिए बड़े गर्व का विषय है कि रामगढ़ में बाबा का दरबार सजा है और ये बाबा के भक्त लोग इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हम लोग चाहेंगे पूरा रामगढ़ भक्तिमय हो जाए, पूरा वातावरण बहुत शुद्ध हो जाए और रामगढ़ पूरा भक्तिमय हो जाए। चलिए, बहुत बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने है क्या कुछ, बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने है क्या कुछ मांग रही हैं आप? अपनी सब बाबा तय कहते हैं कि आप मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें, जितने भी मनोकामना मेरे बाद मुझे सब खुश रहे। क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई जा रही है, और किसी भी प्रकार का कष्ट और कलेश आपका है तो बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे तो तमाम आपकी निंदाएं बाधाएं दूर होंगी। तो आप बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे और अपने सुख शांति समृद्धि की कामना के साथ साथ अपने कष्ट कलेश और दुख को भी दूर करें। रामगढ़ के हमारे पत्रकार और हमारे बड़े भाई हम लोग के सीनियर महावीर अग्रवाल जी की धर्मपत्नी है और बोलने में शर्मा रही है। इस प्रकार का कार्यक्रम जो है बाबा खाटू श्याम के चरणों में आप हाजिरी लगाने के लिए आई है, बड़ा झूम रही है, क्या कुछ लाभ होता है ऐसे कार्यक्रम से? बहुत लाभ है, बहुत श्याम जी के दरबार में आने से बहुत लाभ है, बहुत लाभ मिलते हैं। उनकी अद्भुत लीलाएं हैं, हम आपको बता दें बाबा की अद्भुत लीलाएं हैं और कई पौराणिक कथाएं हैं जिनके कई असीम शक्ति है जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए वो सब खींचे आते हैं सारे। आप लोग क्या कुछ कामनाएं किया? हम लोग बहुत सारी कामनाएं की हमने, हमारी पूरी हुई है वो हम बता नहीं सकते हैं। आज क्षेत्रवासियों के लिए कामना कर रही है ना कि पूरा रामगढ़ पूरा देश खुशहाल हो? हाँ। चलिए बाबा के दरबार में, बाबा कलयुग के अवतार है और हारे के सहारे हैं, जो भी सच्चे हृदय से इनके पास आता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बहुत सारे के सहारे की जय। और बाबा के चरणों में हमने भी हाजिरी लगाई, बाबा के खबर को चलाने के लिए यहाँ पहुँचे, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम भी बाबा से कामना करते हैं कि पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश में सुख शांति समृद्धि आए, जो वैश्विक महामारी कोरोना उसका जड़ से अंत हो और हम लोगों हम तमाम भाइयों के बीच में भाईचारगी का माहौल बना रहे। मेरे नन्हे कदम, अ ब्ले स्कूल इज नर्चरिंग चाइल्डहुड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्सपोजर, अवार्डेड एज बेस्ट प्री स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया। विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच रांची बिहाइंड फिरायालाल एंड अशोकनगर इन रामगढ़ नियर मिलोनी क्लब बिचोलिया रामगढ़ कैंट।